छत्तीसगढ़ में आज हमारा पहला जो है घूमने का वो है सुखना लेक। ये देखो सुखना लेक। गुड मॉर्निंग गाइस। सो नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी सुबह के जैसे 7 और मैं उठ गया था जल्दी क्योंकि आज संडे है और वैसे संडे को जनरली हम जल्दी नहीं उठते बट मैं उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे ये जो प्यारा वेदर है ना यहाँ का बहुत पसंद आ रहा है। गर्मी तो आ ही नहीं रही है अभी भी यहाँ पे, अभी भी ठंडी एक तरीके से मालूम और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू। मैं बताता हूँ आपको व्यू। ये मेरा रूम इग्नोर करना पूरा भी मैस्ड अप हो रखा है। ये देखो व्यू इतना प्यारा व्यू है। अरे तो कोई बात नहीं सुबह सुबह दिखा देते हैं उसमें क्या है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। इधर 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 मैडम इधर इधर। नाइस ये फ्रूट्स लेके हमारी मम्मा सुबह। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। और आज कहाँ घूमने जाएंगे वो भी देखते हैं। माता जी पोहा। वाह सुबह सुबह संडे पे देखिए गाइस बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। और इधर से वेदर दिखाता हूँ। सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक इट। वाओ बन चुका है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कुछ ऑर्डर किया है। कहाँ पर है बताओ। ये हमारा छोटा सा घर जो हमने यहाँ चंडीगढ़ में लिया है और अब से हम यहीं ब्लॉगिंग करेंगे। तो आप डाल लो सबसे बेस्ट चीज मेरे रूम की वो ये व्यू यहाँ से। मतलब मैं ये देखो मतलब यहाँ से सुबह उठो सूरज वहाँ से निकलता है और इतना अच्छा लगता है। दिखाता हूँ ऐसा कुछ। ये देखो इतना सुंदर व्यू। इसके ही तो मजे है लाइफ में। कहाँ पर है हमें दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया। सो गाइस मैंने ऑर्डर किया है ये नए शूज़। तो नए शूज़ मैंने ऑर्डर कर लिए। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर एक बार। लाइक दिस लग रहे ना कूल। तुम भी सोच रहे होगे क्या जूते दिखा रहा है भाई क्या करें कंटेंट की कमी है। खुद ही बोल रहा हूँ कंटेंट की कमी है नहीं मिल रहा कुछ। मैं क्या कर सकता हूँ मैं ना मैं क्या कर सकता हूँ यार। वेलकम टू ग्रीन सिटी गाइस। भाई चंडीगढ़ में इतने पार्क है मतलब एक ये सबसे बड़ा पार्क है हमारी सोसाइटी का। इसके अलावा हर 100-200 मीटर के बाद एक पार्क है। मैप पे देखोगे ना चंडीगढ़ तो तब परफेक्टली ऐसे कटिंग हो रखी है ना तो ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान है कि हर थोड़ी सी दूर में एक पार्क। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी मम्मी को भी अच्छी लगी ग्रीन सिटी चंडीगढ़। इधर यहाँ पे हम रोज़ वॉक करने आते हैं काफ़ी बड़ा पार्क है। और आज मैं अपने शूज़ को टेस्ट करने वाला हूँ रनिंग करके यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं मिलता वरना मन तो बहुत करता कि स्प्रिंट वगैरह फिर से स्टार्ट करूँ बट धीरे धीरे फिर से हम कोशिश करेंगे और जल्दी उठने की तो ये सब टाइम मैनेजमेंट में आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि सब फिर से शुरू हो जाए। तो गाइस हम आए अभी शॉपिंग करने डी मार्ट में। मैं ढूंढ रहा हूँ कब से एक बॉल क्रिकेट की बट यहाँ मिल नहीं रही मुझे। बढ़िया फ़ायदा है यहाँ पे सब कुछ एक साथ ही मिल रहा है। क्रिकेट के बैट देखो आज के लिए वाले बैट चल रहे हैं टेनिस के लिए ये भी सही है। इतने सारे यहाँ पे मन तो कर रहा है बट क्या करूँगा मैं लेके खेलने के लिए कोई है नहीं यहाँ। बैडमिंटन रैकेट भी चाहिए था अच्छी क्वालिटी का नहीं है देखता हूँ कुछ अच्छा नहीं मिली। भाई ये लग कितना सामान ले लिया दुनिया भर का शना पैसा उड़ाने के बाद जाते हुए घर। अरे ये वो चल रहा है क्या आलू ले लो कांदा ले लो। अरे चीयर्स ऐसे ये द नेक्स्ट डे। बागी उड़ान पे ही ना जा
सफर हमारा चंडीगढ़ में आज हमारा पहला जो है घूमने का वो है सुखना लेक। ये देखो सुखना लेक कुछ ऐसी है, सुंदर सी, बहुत ही सुंदर। और अभी हम पूरा वहाँ तक आगे तक जा रहे हैं, बोटिंग भी कर सकते हो। देखो सामने दिख रहे हैं कसौली के पहाड़ और इधर बोटिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा व्यू है। तो पहला हमारा सुखना लेक अभी तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। आगे और भी बहुत सारी जगह जाके छोटे छोटे करके बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा और पूरा चंडीगढ़ का एक ब्लॉग बना के डाल देंगे। मज़े मज़े। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, ब्यूटी बहुत सुंदर है। आवाज़ नहीं आ रही बट मम्मी कह रही मम्मी को बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है चंडीगढ़ और गाइस जरूर आना यहाँ देखने। हाँ यहाँ पे आना, हम तो है ही, हमारे पास रुक जाना, चलो घूमते थोड़ा और। अंदर का अंदर क्या जाए One hour later. So guys, ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अबे उल्टा चालू हो गया, पॉपट हो गई। आपने मुझसे कुछ कहा? Yes. क्या पीछे अच्छा रहा का? सब अच्छा रहा है। आपको कैसा लगा चंडीगढ़ अभी तक, जल्दी बताइए शॉर्ट में। मेरे को चंडीगढ़ बहुत पसंद है पहले से। एक तो साफ सफाई बहुत है यहाँ पे, है ना, और एक तरह तरह के फूल बहुत है यहाँ पे। ग्रीन सिटी है इसलिए। चलो nice. हर घर के बाहर गार्डन, ग्रीन सिटी है ये देखो, ये देखो ग्रीन सिटी। अब उसमें पानी ना निकल रहा है। नो। सो गाइस इस ब्लॉग में यही करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम एंड जय भोलेनाथ की। फिकर नहीं किस बात की। The next day. Guys, एक चीज में बोलना ही भूल गया पूरे ब्लॉग में, हैप्पी होली आप सभी को। मम्मा आप भी बोल दो हैप्पी होली। जो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रहा हूँ, जब एडिट कर रहा था तब मैं को रियलाइज हुआ कि मैंने इसमें हैप्पी होली तो बोला नहीं। तो गाइस हैप्पी होली आप सभी को, आई होप आप सबकी होली बहुत रंग बिरंगी गई हो और इसी तरीके से होली के रंगों की तरह आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बढ़ जाए। जय भोलेनाथ की।